बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम आपको हम रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल में वेलकम कहते हैं। तो नाज़रीन, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ईद की आमद आमद है और ज़िलहज का चांद नज़र आ चुका है, तो क्यों ना ईद की तैयारी के हवाले से कुछ बात हो जाए। जी तो नाज़रीन, ईद की आमद आमद है, उसके हवाले से हम आपको कुछ टिप्स देंगे और उसमें शामिल है कि आपने अदरक और लहसुन उसका पेस्ट जो है वो सालन में, बिरयानी में हर जगह इस्तेमाल होता है, तो आपने ऐसा करना है अदरक और लहसुन उनका पेस्ट बना के रख लेना है। टमाटर की प्यूरी, मसाले जैसे चाट मसाला, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सारे मसाले आपने पहले से तैयार कर लेने हैं, ना हो तो आप बाहर से ला सकते हैं। तो हमने आपको ईद के हवाले से काफ़ी रेसिपीज़ देनी है, जिनमें कोरमा, यखनी का पुलाव, पुलाव कितनी किस्में आपको देनी है, गोश्त के हवाले से बताना है, जो बारबेक्यू तो हर घर में ही होता है तकरीबन, तो उसके लिहाज से भी हम आपको बताएंगे वो कैसे किया जाएगा, टिक्का कबाब, हर चीज़ की रेसिपी आपको हम इस चैनल पे ज़रूर देंगे। तो उसके लिए आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो आज हम जो रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं वो गोश्त के हवाले से तो नहीं है, वो जब ईद थोड़ी करीब आ जाएगी तब हम आपको गोश्त के हवाले से रेसिपीज़ देंगे। जी तो आज हम बनाएंगे मसर, तो आपने खाए होंगे लेकिन मसर और चने की दाल का कॉम्बिनेशन। जी तो उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स आए हैं उनमें शामिल है, हमने आधा किलो मसर लिए हैं और उसके अलावा एक कप चने की दाल, उसको हमने मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम उसे धोएंगे। ये हमने उसे अच्छी तरह से धो लेना है और बहुत ही ज़बरदस्त है इसका कॉम्बिनेशन, लुक अभी से बहुत अच्छी आएगी और हमने उसे तड़का भी बाद में लगाना है और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये एक न्यू स्टाइल की रेसिपी है। तो हमने मसर ली आधा किलो और उसके अलावा चने की दाल ली थी एक कप, उन्हें हमने अच्छे से धो लेना है ताकि जो मिट्टी वगैरह वो अंदर से साफ़ हो जाए, और हमने इसी तरह धो लेना है तकरीबन 5 से 6 बार धो के हमने उसे पानी निकाल लेना है, फिर आपको दिखाते हैं कैसा लग रहा है धोने के बाद। तो अब हमने इसे धो लिए और अब आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त सा, अभी से आप कलर देख लें, ब्राउन मसर और येलो एक अच्छा सा कम्बिनेशन, और पकने के बाद तो लुक बहुत अच्छी आएगी और दिखने में तो है ही अच्छा, पकने के बाद खुशबू से भी बहुत अच्छा लगेगा और टेस्ट में तो है ही बहुत ज़बरदस्त। तो उसके अलावा हमने जो धोए थे उन्हें हमने एक प्रेशर कुकर लिया, उसमें डाल देने, प्रेशर कुकर से आपके जो दाल और मसर है वो अच्छे से गल जाएंगे। तो प्रेशर कुकर में आपने इसे डाल लेना है, धो के डालना है, हमने पानी निकाल लिया था, अब हमने वो इसमें शामिल कर देना है। अब हमारे पास ये कुछ मसाले हैं और लहसुन है, प्याज है, वो हम आपको दिखाते हैं क्या क्या हमने इसमें शामिल करना है। इसमें मसाले हम बहुत सादा से डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब हम इसमें हमने एक जग पानी डाला है जिसमें तकरीबन 6 गिलास होती हैं, तो इसके बाद हाफ जग हम और डालेंगे, तकरीबन 1.5 जग हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इसमें एक प्याज कटी हुई वो डाल रहे हैं, प्याज को अब छील कर बारीक काट लेना है, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास ये 15 से 20 जो हैं लहसुन के, वो आपने इसमें शामिल करने हैं, लहसुन छील के हमने वो इसमें शामिल कर दिए थे, प्याज किया और लहसुन किया। लहसुन को हमने पीसना या कूटना नहीं है, साबुत लहसुन हम इसमें शामिल करेंगे। अब हमारे पास ये लाल मिर्च का पाउडर था 1 चम्मच, अब इसमें वो शामिल करेंगे। इसके अलावा ये हमारे पास टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर से कलर बहुत अच्छा आएगा, 1 चम्मच वो हमने शामिल कर देना है। उसके अलावा नमक है 1 चम्मच लिया है, ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, हसब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने 1 चम्मच लिया है और नमक अब इसमें जाएगा। इसके अलावा ये हमारे पास धनिया पाउडर है 1 चम्मच, वो इसमें शामिल करेंगे। ये सारे मसाले ऐड कर दिए हमने, और ये ज़ीरा है, ज़ीरा अभी नहीं हमने डालना, ये हमने तड़के के लिए रखा हुआ है। तो धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, और उसके अलावा ये हमारे पास एक टमाटर है और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हमने ली हैं। हरी मिर्चें हमने ऐसे ही डाल देनी है, दरमियान से कट लगा के आप डाल सकते हैं, वैसे डाल सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास एक टमाटर है, उसको हमने बारीक बारीक काट लेना है, ये आप देख सकते हैं किसी भी पीसेस किसी भी साइज़ में कर लें, ये गल जाएगा प्रेशर कुकर में। ये बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें ज़रूर फीडबैक दें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो नाज़रीन, हमने इसमें तमाम चीज़ें मसाले ऐड कर दिए हैं और अब हम इसे बस बंद करके चूल्हे पर चढ़ा देंगे। तो तब तक हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, आप ही पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप भी पढ़ लीजिए प्लीज़।
जी, तो अब हमने मिक्स कर दिया। अब आप इसका कलर अभी से ही देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा है। और मौसम भी आपको बताते हैं, बारिश तो हो रही है। हम आपके लिए ओपन एयर में बनाते हैं तो आपको दिखाते हैं, बारिश भी हो रही है और बारिश में ही हमने प्रेशर कुकर रख दिया चूल्हे पे। अब इसको हम कवर करके रखेंगे, वेट भी ऊपर रख देंगे और इसे चूल्हे पे रखेंगे। तकरीबन 20 मिनट हम इसका वेट हिलाएंगे और बारिश में आप देखेंगे कितना अच्छा सीन है, बहुत मज़ा आ रहा है, वेट भी हिल रहा है तो ऊपर बारिश गिर रही है साथ साथ। जी, तो अब आपको बताते हैं, ये देखें हमारे पास वेट जो है वो हिलना शुरू हो गया है, आवाज़ भी आ रही है। मौसम बहुत ही अच्छा है और इस मौसम में ये हमारे पास, जी तो अब हमारे पास दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। 20 मिनट इसे लगे थे, अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह से ये गल चुकी है। 20 मिनट हो गए, अब हम आपको खोल के दिखाते हैं कैसी लग रही है। देखें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है तमाम मसालों की, प्याज लहसुन हर चीज़ डाली थी और अच्छी तरह से ये गल गए 20 मिनट इसे हमने दिए थे। अब इसे हम मिक्स करते हैं और बताते हैं कैसा है। अब इसके साथ हमने क्या करना है, हमने इसको तड़का लगाना है और तड़के के भी बताते हैं हमने क्या क्या यूज़ करना है। ये देखें अच्छी तरह से गल चुका है और बारिश में खाने का तो इससे अलग ही मज़ा आता है। आप हमें फीडबैक में ज़रूर बताएं आप कौन सी रेसिपीज़ चाहते हैं, हम आपको वो रेसिपीज़ देंगे। तो अब हमने इसको तड़का लगाना है और तड़के लगाने के लिए हमें चाहिए फ्राई पैन, हमने उसमें घी डाल लेना है। फ्लेम हमने ऑन कर दिया है, मीडियम पे रखा है। जी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, इससे हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। तो अब हमारा जो फ्राई पैन है वो हीट अप हो गया है, अब हमने इसमें घी ऐड करना है। आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, देसी घी यूज़ कर सकते हैं, बटर यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। अब हमने इसमें घी शामिल कर दिया है और वो गर्म हो चुका है। अब जब वो गर्म हो जाएगा तब हमने इसमें प्याज़ें ऐड करनी है। अब हम इसमें तकरीबन एक बड़ी सी एक प्याज है वो हमने बड़ी काटी है, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो इसे हम हल्का चूल्हा करके इसको ब्राउन होने के लिए रख देंगे, लाइट ब्राउन करेंगे। जब तक इस पर गोल्डन कलर नहीं आ जाता हमने इसे पकाना है, और जब अच्छे से कलर आ जाएगा तब हम आपको बताते हैं इसके साथ क्या करना है। और हल्का हल्का कलर आना शुरू हो चुका है, अब इससे ज़्यादा हमें कलर चाहिए, बस तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। जी, तो अब हमने इसमें 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर देना है, ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। हमने इसे मिक्स करना है, आग अब हमने ना फ्लेम वो बंद कर देना है क्योंकि ऑयल जो था वो हमारा फुल गर्म हो चुका था। ज़ीरा भी ब्राउन हो गया है और हमारी जो प्याज हैं वो भी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, तो ये हमारा तड़का बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसे शामिल कर दिया है तो देखें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छी इसकी लुक भी आ रही है, खुशबू भी बहुत है। खुशबू तो पूरे घर में ही फैल जाती है। अब हमने इसमें हरी मिर्चें शामिल करनी है 2 से 3 अदद, परी काट कर हमने इसमें शामिल कर दी हैं। अब हम इसमें धनिया शामिल करेंगे, कटा हुआ धनिया डाला है हमने इसमें, देखें कितना प्यारा माशाल्लाह लग रहा है। अब हमने इसे तड़का लगा दिया और इस बात पे एक सब्सक्राइबर तो बनता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है। और इनाम तो बनता है जी। तो अब हम राइस तैयार करेंगे, हम चावल बना रहे हैं तड़के वाले, आप वाइट भी बना सकते हैं, वाइट की रेसिपी हम आपको दे चुके हैं, वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अब हमने चावल तैयार करने हैं, अब हम इसमें घी डालेंगे, 1 कप हमने इसमें घी डाला है, वो गर्म हो जाए अच्छी तरह, फिर हम इसमें प्याज़ें ऐड करेंगे। देखिए वो गर्म हो गया है, अब हमने इसमें प्याज़ें ऐड की हैं, 1 बड़ी सी प्याज ली थी हमने, उसको बारीक बारीक काट लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे और उसे हमने जब तक उस पर कलर नहीं आ जाता तब तक हमने उसे पकाना है। जी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें फीडबैक ज़रूर दें और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए, हम आपको रेसिपीज़ देंगे। तो अब हमारे पास जो है वो हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया, देखें आप बिल्कुल अच्छा इसी तरह का कलर चाहिए, इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना। ये देखें आप कलर देख सकते हैं, बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई है प्याज़ें और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये थोड़ी सी प्याज़ों का कलर गोल्डन से डार्क रखना है, तो देखें प्याज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी गोल्डन हो गई हैं। आप इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, 1 चम्मच ज़ीरा हमने इसमें ऐड कर दिया है। जी, तो अब इसमें जाएगा 1 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी है और 2 लौंग, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और अब हमने ये चीज़ें शामिल कर दी हैं इसमें, 1 प्याज की थी हमने उसे बारीक बारीक काटा था। अब ये हमारे पास पानी है, 1 जग पानी है इसमें, तकरीबन 6 गिलास पानी होता है,
वो हमने पूरा इसमें शामिल कर दिया है। 5 या 6 गिलास के दरमियान इसमें पानी आ जाता है। अब हमने इसे मिक्स करना है और अच्छे से ये गर्म हो जाए तब तक मिक्स करेंगे। अब इसमें हमने नमक शामिल करना है, नमक 2 चम्मच लिया है हमने, 2 टेबलस्पून सॉल्ट, 2 चम्मच नमक इसमें शामिल करेंगे और इसे मिक्स करेंगे और इसको हमने उबाल आने तक पकाना है इसी तरह, और उसके लिए हमने इसे कवर करके रखना है जी। तो ये गर्म हो गए, अब हमने इसे कवर करके रखना है और आग जो है वो स्लो कर देनी है। उसे हमने कवर करके रखना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। देखिए अब इसमें बहुत ही अच्छा सा बॉईल आ गया है और जो खुशबू थी हमारे पास बड़ी इलायची दालचीनी वो सारी भी अच्छे से हो गई है मिक्स और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हमारे पास जो चावल थे वो थे 1 किलो, उन्हें हमने 1 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। ये देखें अब इसमें बॉईल आ चुका है। अब जो चावल हैं वो हमने इसमें ऐड करने हैं, उन्हें हमने भिगो के रखा हुआ था। 1 किलो चावल हैं वो हमारे। देखिए अब बॉईल आ चुका है, उबाल आने तक हमने इसे पकाना है। पानी को हमने खुश कर लेना है, ज्यादा खुश नहीं करना है, इसी तरह मतलब कि हल्का हल्का पानी ऊपर आ रहा हो। अब देखिए बिल्कुल इसी तरह का चाहिए हमें, आप देख सकते हैं हमारा पानी तकरीबन खुश हो चुका है और अब हम चावलों को दम पर रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने चावलों को दम पर रख दिया है। आग हमारी जो थी दम देने के लिए हमने फुल स्लो कर दी थी। ये हमारे पास सलाद है जो कि हम सर्व कर सकते हैं। ये अब हमने दम दिया है उसे। 10 मिनट हो गए, अब हमारा दम आ चुका है, अब हमने चावलों को खोल दिया है। 10 मिनट बाद आपको दिखाते हैं कैसे लग रहे हैं। ये देखें बहुत ही खिले खिले से और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, हमें फीडबैक ज़रूर दें। तो ये देखें राइस तैयार हो चुके हैं, अब हम डिश आउट कर आपको दिखाएंगे। राइस और चने की दाल प्लस मसर, बहुत मज़ेदार रेसिपी है, उनका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। न्यू स्टाइल की रेसिपी आपको दी है हमने, तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे और आपको दिखाते हैं। ये देखें कितनी अच्छी खुशबू और बहुत ही गर्म गर्म राइस, बारिश में खाने का मज़ा आ जाता है। कलर बहुत प्यारा कलर है चावलों का, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है जी। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें हमने राइस को डिश आउट कर लिया है। अब उसके बाद हम जो हमारे पास मसर प्लस दाल का कॉम्बिनेशन था जो हमने बनाया था उसको हम डिश आउट करते हैं। ये देखें कितना अच्छी सी लुक आ रही है और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है, टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा होगा, वो तो जब हम टेस्ट करेंगे तब आपको बताते हैं जी। तो जो हमने तड़का लगाया था उससे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, साबुत लहसुन की खुशबू, और हमारे पास जो हमने फ्राई किया था ज़ीरा और तड़का लगाया था उससे तो बहुत ही अच्छा तैयार हो गया। देखिए अब हमने डिश आउट कर दिया राइस को, अब हम उसकी गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग आप धनिए के साथ, हरी मिर्च के साथ, लेमन के साथ अगर किसी को सर्व करना है तो इस तरह कर सकते हैं। तो हमारे दोनों अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं, उसके साथ हम सर्व करेंगे। हमारे पास सैलेड होगी, इसकी हमने गार्निशिंग करनी है और गार्निशिंग करने के बाद दिखाते हैं कैसा लग रहा है। गार्निशिंग भी हो गई और लुक में बहुत ही अच्छा है, टेस्ट में भी उम्मीद है बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। हमारे पास सैलेड है और अचार है मैंगो का, और इसकी रेसिपी हम आपको बहुत जल्द देंगे। हमारे पास गेस्ट है जो कि आप हर वीडियो में देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके जी। तो हमारे अच्छे से तैयार हो गए, अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसे लग रहे हैं। जो हमारे पास दाल की कंसिस्टेंसी थी वो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं बट लेकिन ये कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लुक, अमेजिंग जी। अब हम तो जा रहे हैं अपनी रेसिपी को बारिश में एंजॉय करने। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, जिन्होंने नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, हमें फीडबैक ज़रूर दें। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।